हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि अगर फ्रिज हमारा ठंडा नहीं हो रहा है, उसमें ज्यादा बर्फ बन रहा है, पीछे साइड में पानी इकट्ठा हो रहा है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके अगर फ्रिज में आ रही है तो एक ही झटके में सारी क्वेरी आपकी दूर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जरा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका भी फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमारा फ्रिज है वो हमारा नया मॉडल नया रखा हुआ है, दुकान का फ्रिज है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि फ्रिज आपका अगर ठंडा नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना जो फ्रिज है ना फ्रेंड्स, उसको दीवार से सटा के, जैसे जो देख रहे हैं ना, ये गैपिंग जो है दीवार से कम 10 इंच की दूरी होनी चाहिए, दीवार से दूरी इसको रखना है। दूसरा, आपको सबसे पहले अपने कंट्रोल पैनल पे नहीं, यहाँ पे आ जाना है और इसको एडजस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले इसको आपको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, ये ना ज्यादा हाई पे रखना है और ज्यादा ना ही लो पे रखना है, 3 या 4 पे मीडियम इसको रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद से बार बार डोर ओपन, आपको मतलब बंद और खुला हुआ ऐसे बार बार नहीं करना है, बार बार नहीं खोलना है, बार बार बंद नहीं करना है। इससे कि कूलिंग रिटेंशन जो होता है ना वो नहीं बना रहता है, वो बार बार खोलने से ना दरवाजा फ्रिज ठंडा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ये वाला काम करके देखिए, थोड़ा सा दूर रख दीजिए और इसको एडजस्ट कर दीजिए, आपका फ्रिज फिर से बढ़िया से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या की बात कर लो तो वो होता है हमारा यहाँ पे इस फ्रीजर में पूरा बर्फ बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं ना, पूरा बहुत ज्यादा इसमें बर्फ जम जाता है। ये हम आइसक्यूब यहाँ पे आइसक्यूब रखते हैं बर्फ बनाने के लिए इसमें, लेकिन पूरा फ्रीजर ही हमारा बर्फ बन जाता है। इसमें कौन पूछ रहा है, पूरा फ्रीजर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल जाता है। अगर हम इस वाले एडजस्ट को, मतलब इस वाले कंट्रोलर को अगर हम हाई मोड पे रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है ना कि इसमें बहुत ज्यादा बर्फ बन जाता है, जो कि वो भी नुकसानदायक ही होता है। तो उसका भी क्या नुकसान है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप कैसे उस बर्फ को मतलब कैसे निकालेंगे और कैसे उससे बचेंगे। बचने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि इसको यहाँ पे कंट्रोल करना है, मतलब मिनिमम मीडियम में रखना है। और दूसरा, कि अगर ज्यादा बर्फ बन जाना फ्रेंड्स, तो किसी नुकीली चीज से या फिर किसी भी ऐसे धारदार वस्तु से इसमें यूज मत करिएगा, क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये धारी जो दिख रही है आपको, ये धारी जो दिख रही है ना, इसमें ये प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, इसमें पूरे कॉपर के तार लगे हुए हैं जिसमें से गैस फ्लो होते रहता है। तो जैसे भी आप यहाँ पे चाकू या किसी भी धारदार साफ चीज को यहाँ पे जैसे ही लगाते हो ना, वो तुरंत कट जाता है। कटने के बाद फिर गैस जो होती है ना, वो गैस निकल जाती है। गैस निकलने के बाद फ्रिज का काम तमाम, मतलब ठंडा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो चीज आपको यूज नहीं करना है। बर्फ निकालने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। यही पे इसी कंट्रोल पैनल में, यही में ये ब्लू तरीके का देख रहे ना, ये जो बटन दिख रहा है, बाकी मॉडल फ्रिज में ना अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन यही होता है, ये होता है डिफ्रॉस्ट का बटन होता है, यानी कि बर्फ निकालने का। आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे सिंपली इसको ऐसे प्रेस कर देना है। ठीक है, प्रेस कर दीजिएगा, कुछ ही देर यानी 5 मिनट के अंदर सारा बर्फ आपका बाहर निकल जाता है, पानी बन जाता है, पानी बन के स्ट्रे में आया ट्रे के। और मैं वही बात करूंगी, पानी जाता कहाँ ऐसा है फ्रेंड्स, पीछे साइड में जो बॉक्स बना होता है ना, उसमें पानी जाता है, तो यही पानी जो डिफ्रॉस्ट होता है ना, इसी में से पानी पीछे के साइड में जाता है और जमा होता है। यानी यही गलती अगर हम ये करते हैं, ये वाली गलती, तभी ज्यादा पानी पीछे में इकट्ठा होता है। तो समय समय पर उसको निकालते भी रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चीज को ना आप हमेशा मतलब मीडियम पे ही रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज ना फ्रेंड्स, इसको कभी भी साफ चीज से मत छेड़िएगा, नहीं तो आपका फ्रिज एक पैसे के लिए लायक भी नहीं बचेगा, फिर वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसके बगैर फ्रिज ही नहीं होता, यहीं से सारा चीज चलता है, यही ठंडा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके का हमेशा आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।